देखिए, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। जब प्रदेश की जनता पीड़ित हो, प्राकृतिक प्रकोप हो या जो भी घटना हुई हो, हमारा दायित्व होना चाहिए कि जनता की मदद में हमें सतर्कता से कार्य करना चाहिए। इसलिए मैंने दौरा को भी आगे करके मैं आज रात को चंदेरी पहुंच रहा हूं, कल मैं मुंगावली जा रहा हूं, भविष्य में मैं दूसरे इलाकों में भी जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने और शासन ने ये निर्णय लिया है और ऑर्डर भी दिया है कि जल्द से जल्द सर्वेक्षण होना चाहिए, जिसकी हानि हुई हो और उसी के साथ जिसका फसल भी नष्ट हुआ हो उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। और इसी बात को मैंने कल इंदौर में मैंने मांग रखी थी और अब मैं स्वयं कल सुबह पहुंच रहा हूं, मैं सर्वेक्षण कर रहा हूं, आज रात को निकल रहा हूं ग्वालियर से और कल सुबह जब मामला का जायज़ा लेके उस विषय को भी मैं मुख्यमंत्री के साथ मालूम है। मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, करीब करीब 15 से 20 जिले प्रभावित हैं, तो एक एक करके मैं सब दूर दौरा भी करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मांग रखी है 500 करोड़ की करीब करीब मुझे लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को राशि मिलनी चाहिए। मैं मांग रखता हूं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ये राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत हर राज्य को राशि दी जाती है जब ऐसी प्राकृतिक आपत्ति भी होती है, और इसमें केंद्र सरकार को राजनीति नहीं लानी चाहिए और जल्द से जल्द राशि मध्य प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, शिवराज सिंह जी जो भी कहें, मैं तो ये मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या जनता क्या कहती है और जनता के साथ साथ प्रजातंत्र के